जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बदडीहा वन और पिंडरसोत के सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत तुलसी डी में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में हूँ। स्क्रीन पर तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी संख्या में आपको ग्रामीण दिखेंगे जो कि युवा वर्ग के लोग हैं। मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कोडरमा संसदीय क्षेत्र जमुआ प्रखंड पिंडरसोत और बदडीहा वन पंचायत के ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया, लोकसभा चुनाव के तहत किस तरह का माहौल है इन लोगों के बीच में, आइए बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है, नाम बताएं। अरविंद कुमार। गांव कौन सा है? सिद्धार्थ। पंचायत बदडीहा। कोडरमा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस संसदीय क्षेत्र से जो उम्मीदवार हैं उनमें से मुख्य वर्चस्व, मुख्य प्रतिस्पर्धा कौन कौन से लोगों के बीच हो रही है? मुख्य अन्नपूर्णा देवी, विनोद सिंह, जयप्रकाश वर्मा। जयप्रकाश वर्मा। तो इन तीनों के अतिरिक्त और भी कोई नाम है क्या? मैं वैसा कह रहा हूँ तीनों में टक्कर रहेगा। हम लोग तो प्रकाश वर्मा के ही पक्ष में हैं। आप लोग प्रकाश वर्मा के पक्ष में हैं? क्यों? विकास है, विकास करने लायक हम लोग नजदीकी है, हर तरह से मैंने हम लोग सहयोग मिलता है, हर समय सहयोग मिलता है, नजदीकी है। विकास पुरुष है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं। रविंद्र, चुनाव को लेकर उत्साह कितना है आप में? उत्साह तो बहुत ज्यादा है। फेवरेट प्रत्याशी आपके कौन है? जय प्रकाश वर्मा आपके पसंदीदा प्रत्याशी है, क्यों है वो? क्योंकि ये जुझारू नेता है, विकासशील है, ये फील्ड में ज्यादा घूमते हैं, इसलिए। और अन्नपूर्णा देवी अभी फील्ड में आ नहीं रहे, अभी चुनाव आ गया तो फील्ड में ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसके पहले चुपचाप जीतने के बाद अपना दिल्ली में बैठे रहते हैं, फील्ड में वो घूमती नहीं है। नहीं घूमती, जबकि जेपी वर्मा फील्ड में रहते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, आप पास आइए, क्या नाम है? अनूप कुमार वर्मा। अनूप जी, क्या लगता है मुकाबला यहाँ पर कैसा होने जा रहा है? त्रिकोणीय है कि द्विपक्षीय मुकाबला है, कौन जीतेगा चुनाव? यहाँ तो लग रहा है कि नहीं, जय प्रकाश वर्मा का ज्यादा इधर बोलबाला है, जय प्रकाश वर्मा ही जीतेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इधर का लोकप्रिय नेता है और इधर बहुत ज्यादा इसका परिचय है और गांव में आते जाते रहते हैं। जय प्रकाश वर्मा गांव में आते हैं? हाँ। मिलते हैं? हाँ। इसीलिए लगता है कि वो जीतेंगे? हाँ। आपका साथ किसको है? मेरा जय प्रकाश वर्मा। जय प्रकाश वर्मा को। आप क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार वर्मा। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव जो है वो दिलचस्प होता हुआ प्रतीत हो रहा है, कौन जीतेगा? जीतेगा तो जय प्रकाश वर्मा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? अच्छा उम्मीदवार है, अच्छा आदमी है, जो सो हार और जीत में हर समय से घूमते रहते हैं, पूरा लोकसभा चाहे जीत हो या हार हो लोकसभा घूमते रहते हैं, पूरा घूमते हैं और उसे हर आदमी का समस्या हल करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। जो जीते हुए अन्नपूर्णा देवी है, जीतने के बाद भी वो कहीं नहीं घूमते हैं, तो वोट समय ही मैंने घूमते हैं, वोट लेने वोट के समय घूमती है, बाकी कभी नहीं। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, देखिए आपके स्क्रीन पर आपको सिर्फ युवा नजर आ रहे होंगे, सबके सब मुस्कुराते हैं, युवा है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? बीएससी मैथ्स ऑनर्स। क्या करना चाहते हैं आगे? कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वोट डालते हैं? हाँ वोट डालते हैं। इस बार वोट डालेंगे? डालेंगे। कौन फेवरेट प्रत्याशी है? मेरा फेवरेट प्रत्याशी तो आगे से चलते हुए बीजेपी आ रही है, लेकिन इस बार देखते हुए जय प्रकाश वर्मा को फेवरेट मानेंगे। जय प्रकाश वर्मा को फेवरेट मानने का क्या कारण है? कारण है कि जैसे मैं हम लोग गांव तरफ आते हैं, आपस में हेल मेल है, तालमेल है, मिलजुल के सबकी समस्या को समझते हैं। चलिए, जय प्रकाश वर्मा के सभी सपोर्टर्स यहां पर है, जरा सा इधर आइए। क्या नाम है? राजेश। कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव कोडरमा से? जी अपना जय प्रकाश वर्मा जी है। देखिए बहुत सारा समस्या को हल करते हैं, जैसे आते जाते रहते हैं इधर। क्या समस्या का हल उन्होंने कर दिया बताइए? इसे छोटा मोटा बहुत सारा चीज है, कितना गिना चुनाव है इसे। तो युवाओं से बात हो रही थी, यहाँ के लोगों से बात हो रही थी, विभिन्न लोगों से बातें हुई और
सभी लोगों ने यहां पर एक सुर में कहा है कि प्रोफेसर जय प्रकाश वर्मा इनके फेवरेट प्रत्याशी हैं, क्योंकि ये लगातार क्षेत्र भ्रमण पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं जो है वो सुनते हैं और यथासंभव उनका समाधान भी होता है। ये लोगों का कहना है और इन्हीं लोगों का कहना है कि जो निवर्तमान सांसद रही यहां से अन्नपूर्णा देवी, वो क्षेत्र भ्रमण पर कम नजर आती हैं। चुनाव जीतने के बाद से उनको कम क्षेत्र में देखा गया है, इसलिए इस बार क्षेत्र की जनता चाहती है कि जयप्रकाश वर्मा को मौका दिया जाए। यहां के लोगों से मिलकर ये बातें सामने आ रही है। बाकी आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है और कौन जीतता है यहां से चुनाव, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की सुनने को मिल रही है। धन्यवाद।